बात आपको सुनाई कि दुख जितने होते हैं जीवन में वो किसी न किसी दोष से होते हैं। दुख की उत्पत्ति दोष से होती है और दोष होते हैं चार प्रकार के, देहाभिमान मूलक, रागद्वेष मूलक, अस्मिता मूलक और अविद्या। देहाभिनिवेश मूलक जो दोष होते हैं, देह में मैं का अत्यंत प्रवेश, प्रवेश नहीं निवेश, निवेश शब्द का अर्थ होता है संस्कृत में सोना। जैसे आप घर में प्रवेश करें तो प्रविशति बोलते हैं, वैसे आप अपने घर में सोवें तो निविशते बोलते हैं। देखो वही विष धातु है, पर प्रवेश में वो परस्मै पदी है और निवेश में आत्मनि पदी है। ये देखो वैयाकरण की सूझ, देखो जब हम सोते हैं तो अपने भी अपने में सोते हैं, इसलिए विष धातु के साथ आत्मनेपदी कर दिया निविशते। और जब हम प्रवेश करते हैं तो उसमें दूसरे का उपकार, दूसरे की भलाई, दूसरे के साथ संबंध भी होता है, तो परस्मै पदी कर दिया प्रविशति निविशते। देह में क्या हुआ था, निवेश हुआ, अभी निवेश हुआ, पूरी तरह से सो गए, माने देह को ही मैं मान लिया। इसके कारण जीवन में अनेक दोष आते हैं, उन दोषों के कारण मनुष्य को दुख होता है। तो जरा दोषों पर विचार करें कि इसके कारण क्या क्या होता है। एक तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद, ये तमोगुणी दोष आते हैं। देह का आराम ही सब कुछ है, तो अप्रवृत्ति हो जाती है। अप्रवृत्ति होने से निद्रा, आलस्य, प्रमाद अपने जीवन में आ जाते हैं, मनुष्य तमोगुणी हो जाता है। ये देह में सो गया इसलिए देह के आराम को ही सबसे बड़ी चीज समझने लगा, तो इसको नींद में, आलस्य में, प्रमाद में डालना। नींद तो आप जानते ही हैं, आलस्य और प्रमाद में थोड़ा अंतर होता है।
प्रमाद तो ऐसा होता है कि समय पर अपने कर्तव्य की पूर्णता ही नहीं होती, और आलस्य ऐसा होता है कि कर्तव्य का स्मरण होने पर भी आलस कर गए कि अब नहीं तब करेंगे। निद्रा में बेहोशी है, प्रमाद में होश होने पर भी कर्तव्य का स्मरण नहीं है, और आलस्य में कर्तव्य का स्मरण होने पर भी उसकी उपेक्षा है। नारायण, अब देखो कि ये किसी भी श्रेयस का साधन नहीं है। यदि मनुष्य के जीवन में निद्रा, आलस्य, प्रमाद की प्रधानता हो गई, ये तो अंधकार से आवृत कर देती है आपको निद्रा, और प्रमाद एक प्रकार का मतवालापन ला देता है। ये तो अंधकार से आवृत कर देती है आपको निद्रा, और प्रमाद एक प्रकार का मतवालापन ला देता है। आलस्य का अर्थ है कि आपके जीवन में कोई रस नहीं है। रस और शोभा, रस और लस, अपना कर्तव्य कर्म पूरा करने में जिसको कोई रस नहीं आता उसको कहते हैं अरस, और रेफ और लकार दोनों को एक मानकर अरस को ही अलस बोलते हैं, और अलस पुरुष का जो भाव है उसका नाम आलस्य है। अलसस्य भाव आलस्यम, शोभाहीन, रसहीन, न चेहरे पर रौनक है और न दिल में मजा है, तो कोई भी काम करने में आलस्य का उदय हो जाता है। जिसको काम करने में मजा आता है वो कभी आलसी नहीं होता। एक तो कर्म करने वाला जो संग्रह करता है, जो वस्तुएं अपने पास इकट्ठी करता है, जैसे ये पुस्तक इकट्ठी करनी है तो हाथ से उठा के ही तो हम ले आते हैं अपने पास, तो चूंकि एक दूसरी चीज है और उसको अपने पास लाना है, तो यदि उसको लाने में हमारा कोई दोष होगा तो ये चीज आकर हमारे लिए दुख की सृष्टि करेगी। इसके लिए शास्त्र में तीन बात आती है, परस्य पीडया लब्धम, परसंपीडया लब्धम, जो धन दूसरे को तकलीफ पहुंचाकर अपने घर में आता है, एक धर्मस्योल्लंघने न च, और धर्म का उल्लंघन करने से जो वस्तु जो धन हमें प्राप्त होता है, और शत्रु के सामने सिर झुकाने से जो वस्तु हमें प्राप्त होती है। बोले कि ऐसा धन हमारे घर में न आवे, हमारे महापुरुष लोग, हमारे जो सत्पुरुष होते थे वो रोज प्रातः काल उसके प्रार्थना करते थे, ऐसा धन हमारे घर में कभी न आवे जिससे दूसरे को, जिसके आने से दूसरे को तकलीफ पहुंचती है, जिसके आने से धर्म का उल्लंघन होता है, और जिसको लेने के लिए दूसरों के सामने सिर झुकाना पड़ता है। लो, अब आप देखो कि धन में दोष का समावेश हो गया,
कैसे हुआ जब आपने दूसरे को दुख पहुंचाया वो धन लेने के लिए, जब धर्म का उल्लंघन किया, धर्म का उल्लंघन किया वस्तु की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, और जब आपने आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाया, अपना अपमान किया, दूसरे को दुख पहुंचाना, अपना अपमान करना और धर्म मर्यादा का उल्लंघन करना, ये तीनों दोष हैं। आपके घर में जो चीज आई, यदि उसको लाने में ये तीनों दोष उस चीज के साथ साथ आपके घर में आए तो वो दुख लाएंगे। अब वो दुख आज लाएंगे कि कल लाएंगे कि 10 बरस के बाद लाएंगे, वो ईश्वर के बही खाते का जो हिसाब है वो जरा लंबा है, पर वो आता है जरूर। यहाँ तक कि पहले बहुत बढ़ता है अन्यायोपार्जित धन और पीछे समूलम तु विनश्यति, वो स्वयं नष्ट हो जाता है। इतने ही नहीं, वो लाने वाले को भी नाश के कगार पर पहुंचा देता है। तो कर्म शुद्धि में पहली बात ध्यान देने की ये चीज है कि जो वस्तु या व्यक्ति हमारे घर में आ रही है वो परपीड़ा से, अन्याय से अथवा अपना तिरस्कार करके नहीं लाई जा रही है। एक बात आपको सुनाई, अब दूसरी बात सुनो। आई हुई वस्तु का उपभोग होता है अपने जीवन में, जो हम उस वस्तु का उपभोग करते हैं उसमें भी, लाने में भी कर्म होता है और उपभोग में भी कर्म होता है। लोग कहते हैं भोग मिलता है प्रारब्ध से, पर प्रारब्ध का नाम तो बहुत लेते हैं, प्रारब्ध के संबंध में कभी विचार नहीं करते हैं। कर्म के संबंध के बिना प्रारब्ध चरितार्थ नहीं होता है। मान लें कि आपकी जीभ को स्वाद मिलना है और आपके मन को उस स्वाद से खुश होना है, ये प्रारब्ध का भोग आपके लिए आ रहा है, परंतु वो स्वाद की जो वस्तु है उसको आप हाथ से उठाएंगे और अपने मुंह में डालेंगे। तो जीभ पर स्वाद आया, ये स्वाद की जो संबिद है इसको भोग बोलते हैं, बोला स्वाद संबिदा की जो उत्पत्ति है, स्वाद संबिद की, उसका नाम भोग है। परंतु उस स्वाद संबिद को जागृत करने के लिए वस्तु की जरूरत पड़ी जो जीभ पर जा करके स्वाद को जगावे, और उस वस्तु को जीभ पर पहुंचाने के लिए हाथ की जरूरत पड़ी, कर्म करना पड़ा, होठ की जरूरत पड़ी, मुंह चलाने की जरूरत पड़ी, तो ये कर्म हुआ। माने बिना कर्म संबंध के प्रारब्ध भी जागृत नहीं होता है। प्रारब्ध को जागने के लिए द्रव्य संबंध और कर्म संबंध ये आवश्यक होता है। प्रारब्ध तो भोग मात्र है, कर्म का नाम प्रारब्ध नहीं है। अब देखो, इसी से जब आप दूसरे की चीज बेईमानी से उठा के मुंह में डाल लोगे तो ठीक है, वो स्वाद आया आपका भोग है, परंतु जो हाथ से आपने बेईमानी की चीज उठाई उसमें पाप आ गया, उसमें दोष आ गया। अब भोग आपको कौन सा प्राप्त होना चाहिए, जो धर्म मर्यादा से प्राप्त है,
अब जरा आप धर्म मर्यादा की तरफ भी ध्यान दें। धर्म मर्यादा वो नहीं होती जो दुनियादार लोग अपने मन से सोचते हैं, उसमें भी सीखने की जरूरत होती है। जहाँ अनुशासन नहीं है वहाँ धर्म की उत्पत्ति नहीं होती। ये हमारा देखो धर्म संबंधी निर्णय है बोला, ये बहुत विचार करके तब हमारे महापुरुषों ने निकाला है। देखो एक सैनिक सेनापति की आज्ञा से सामने वाले आदमी को बंदूक से मार देता है, परंतु वहाँ पाप की उत्पत्ति नहीं होती। क्यों? तो वो एक अनुशासन में स्थित है, एक राज्य की मर्यादा है, एक सेनापति उसके ऊपर है, उसके अनुशासन के अनुसार वो बंदूक मारता है। मारने की क्रिया बुरी है, परंतु अनुशासन होने के कारण, अनुशासन से बद्ध होने के कारण एक आदमी जब अपने सामने वाले को लाठी मारता है तो अपनी वासना के अनुसार मारता है, और एक आदमी बंदूक मारता है, फांसी पर लटकाता है, परंतु शासन के अनुसार करता है। तो शासनानुसारी जो कर्म होता है वो धर्म हो जाता है, और वासनानुसारी जो कर्म होता है वो अधर्म हो जाता है। क्या आप अपनी वासना के अनुसार काम करते हैं कि किसी शासन में आबद्ध होकर कर्म करते हैं? जय जय। तो जहाँ शासन होता है वहाँ हमारी इंद्रियां काबू में होती हैं, हमारा मन काबू में होता है, किसी भोग को हम उच्छृंखलता से धर्म की मर्यादा तोड़ कर नहीं करते हैं, अनुशासन के अनुसार करते हैं। तो हमारे कर्म में पवित्रता आने के लिए अनुशासन चाहिए। तो हम भोग भले प्रारब्ध के अनुसार करें, परंतु उस भोग को करने के लिए जो शरीर से क्रिया करनी पड़ती है वो धर्मानुशासन से आबद्ध होनी चाहिए। हाथ गंदी चीज को उठाकर मुंह में न डाले, हाथ पराई चीज को उठाकर मुंह में न डाले, वो हाथ में से धर्माधर्म निकलेगा, जीभ में से धर्माधर्म कब निकलेगा, है ना? जब उसमें भी थूकने का सामर्थ्य होने पर भी हम नहीं थूक पाते हैं। ये आपको इसलिए सुनाया कि पहले तो कर्म में अप्रवृत्ति ही पाप दोष है, और कर्म में प्रवृत्ति होने पर भोग में, शरीर की चेष्टा में और वाणी में धर्मानुशासन होना चाहिए। वासना के अनुसार भोग, कर्म और भाषण नहीं होना चाहिए, शासनानुसार होना चाहिए। ये कर्म करने की रीति है। तब क्या होगा? तब कर्म का दोष निवृत्त होगा। तो कर्म में अप्रवृत्ति एक दोष है, निद्रा, आलस्य, प्रमाद, ये तमोगुणी दोष है, और कर्म में प्रवृत्ति होने पर दूसरे को दुख पहुंचाना, अपना अपमान करके कर्म करना और धर्मानुशासन को भंग करना, ये तीन दोष कर्म करते समय आते हैं। ये दोष जब जीवन में आवेंगे, कर्म में आवेंगे, तो वो कर्म आपके लिए दुख लेकर आवेगा। अन्यायोपार्जितम द्रव्यम दस वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते त्वेकादशे वर्षे तूलिके विनश्यति। जैसे रूई में आग लग जाए ऐसे अन्यायोपार्जित भर। एक आदमी एक दिन दुखी हो रहा था, क्यों? तो उसके 5 रुपए चले गए। 5 रुपए में आपको दुख न होता हो तो आप उसको 5,000 कर दीजिए, 5 लाख कर दीजिए, 5 करोड़ कर दीजिए, 5 रुपए चले गए इसलिए वो दुखी हो रहा था।
किसी ने पूछा, भाई तुम्हारे पास ये 5 रुपए आए कहाँ से थे? तो वो तो बेईमानी करके, चोरी करके हमने किसी का ले लिया था, तो आज 5 रुपया जाने पर रो रहे हैं। तो देखो, रोना आज आया तुम्हारे घर में, जब वो 5 रुपए चले गए तब रोना आया है तुम्हारे घर में? नहीं, जिस दिन वो बेईमानी का 5 रुपया तुम्हारे घर में आया, उसी दिन दुख तुम्हारे घर में आ गया। दोष ही दुख देता है। तो अब गीता के मत में मनुष्य की जो कर्म में अप्रवृत्ति है वो तामस है। जो नींद लेकर आराम मानता, सुख मानता है, आलस्य में सुख मानता है, प्रमाद में सुख मानता है, वो तो तामसिक सुख में फंसा हुआ है। अब आई कर्म की बात। तो कर्म में जो प्रवृत्ति हो रही है वो कैसे हो रही है, इस पर दृष्टि दो। तो पहले हम ये सुनाना चाहते हैं कि गीता के मत में कर्म करना आवश्यक है। देखो, हम अपने जीवन का जो पहला स्तर है वहां से इस बात को प्रवेश करते हैं। कर्म के दोष, भाव के दोष, अहम के दोष और बुद्धि के दोष, ये हम दोषों के 4 विभाग कर देते हैं। और इन्हीं, बुद्धि का दोष है भ्रांति, अहम का दोष है अस्मिता, भाव का दोष है राग द्वेष, और कर्म के दोष हैं 5 प्रकार के, वो आपको बताए। तो पहली बात यह है कि अप्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, कर्म से भागना नहीं, अपने हिस्से का जो कर्म है वो जरूर करना। बोले, भाई आओ हम कर्म करेंगे ही नहीं, ऐसा निश्चय कर लो। बोले, कर्म करेंगे ही नहीं, इससे आपको निष्कर्म की प्राप्ति नहीं होगी। एक आदमी कहे कि हम पलंग से उठेंगे नहीं और नींद खूब अच्छी आनी चाहिए, आपके मन में ये बात बैठी? कोई 24 घंटे पलंग से न उठे, पल्यंग, पल्यंग संस्कृत शब्द होगा पल्यंग, जिसके अंग परितः चारों ओर फैले हुए हैं, चारों दिशा में जिसके एक एक पाए फैले हुए हैं, उसका नाम होगा पर्यंक और पल्यंक और पल्यंग। ये संस्कृत भाषा में हो पलंग, जिसको बोलते हैं संस्कृत भाषा में पल्यंग है, पर्यंक है, पल्यंक है, पर्यंग है और पल्यंग है। अच्छा, एक ने कहा हम 24 घंटे सोवेंगे पलंग पर और नींद खूब अच्छी आनी चाहिए, दवा लेके सो जाओ। बात दूसरी है, यदि आप 24 घंटे सोते रहोगे तो आपको नींद कहाँ से आवेगी? जब पलंग पर से उठोगे, कुछ श्रम करोगे, कुछ घूमोगे, फिरोगे, टहलोगे, तब अच्छी नींद आवेगी। न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषोऽस्मृते। यदि कर्म करोगे ही नहीं तो कर्म से नैष्कर्म की प्राप्ति नहीं होगी। कर्म करने पर नैष्कर्म देता है, कर्म न करने पर नैष्कर्म नहीं देता है। ये बात आपके ध्यान में आ जाए। चित्र विचित्र प्रकार के लोग मिलते हैं। एक ने कहा कि हमको ईश्वर की प्राप्ति होनी चाहिए, हमको आके भगवान दर्शन दें। तो महात्मा ने कहा, भाई भगवान दर्शन तब जाते जब तुम अपने
पौरुष से हार जाते हैं। बोले जहाँ तुम जा करके ये अनुभव करोगे कि बस बस अब इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, वहाँ ईश्वर कृपा करके तुमको दर्शन दे देंगे। अब जाके महाराज बैठ गया, बैठ गया, बोले हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे लिए क्या होगा। मारे जो कर सकता था वो उसने नहीं किया, और आसमान की ओर देखे कि ईश्वर हमको दर्शन देने आ रहे हैं कि नहीं, तो महात्मा ने उसको डांटा, जब पहले तू कर तो क्या करें महाराज, कि 24 लाख गायत्री का जब कर अंतकरण शुद्धि के लिए है, अपने इष्ट देव के मंत्र का तू जितना जप, जितना ध्यान, जितना अनुष्ठान, जितना पुरस्चरण कर सकता है पहले उतना कर। करते 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 क्या हुआ, बोले बस अब इससे ज्यादा तो नहीं होता, ज्यादा नहीं होता ये निराश होकर के नहीं, करके। हमारी 16-17 बरस की उम्र थी, स्वामी योगानंद जी महाराज के पास गया, वो बड़ी साल में उनका परमहंस रामकृष्ण के नित्यानंद के स्वामी योगानंद पूरी बोलते, उन्होंने कहा पहले गायत्री दीक्षा ली है, गायत्री का कुछ अनुष्ठान किया तक नहीं किया, तो बोले करो गायत्री, 24 लाख गायत्री का, तो बोले लो श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा लो, इसका अनुष्ठान करो। एक अनुष्ठान नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कलौ संख्या चतुर्गुणा, चार गुणा। आपको सुनाते हैं कर्म कैसे ईश्वर के प्रसाद को लाता है। सवेरे बैठे भजन करने, 7 बजे उठे, नित्य कर्म किया, फिर 8:30 बजे बैठ गए, फिर 11:30 बजे उठे, फिर भोजन किया, थोड़ा विश्राम करके फिर 2 बजे बैठे, फिर 5 बजे तक भजन किया, सपना भी नहीं आया भगवान का, बोला ये नहीं कि चोरी करें निहाय की और करें सुई को दान, ऊंचे चढ़ के देखते किसी दूर विमान, 2-4 माल अब फेरी, बोले हमने इतना किया, इतना तो करते हैं। एक ने हमसे कल की परसों एक ने हमसे कहा कि महाराज इतना तो करते हैं, कब तक करते रहेंगे, भगवान के आने में कितनी देर लगेगी। मैंने कहा भाई ये तो तुम्हारे भाव में भगवान को पाने की जल्दी नहीं है, ये तो हम इस झगड़े से कब छूट जाएं इसकी जल्दी है, तुम ऐसे क्यों नहीं करते कि जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक जन्म जन्म तक हम यही करते रहेंगे, ऐसा क्यों नहीं बोलते, अनंत काल तक जन्म जन्म तक हम यही करेंगे, जन्म जन्म लगी अगर हमारी परम शंभु न तू रहो कुमारी, ऐसा तुम्हारे मन में क्यों नहीं आता। क्या महाराज जल्दी है, जल्दी है, जरा दुकान का काम शुरू करना है, भगवान पहले मिल जाएं, तब दुकान का काम शुरू। आपको नारायण सुनाया, अच्छा हमारा क्या हुआ, हम अपना भी सुना देते हैं आपको। जब कुछ नहीं मिला, अनुष्ठान सब पूरे हो गए, तो गंगा स्नान करने गया, वहाँ माला किनारे पर रख के जब गंगा स्नान करने गया तो एक कौआ हमारी माला उठा ले गया, बोला और उसने गंगा जी में डाल दिया, खत्म। मैंने कहा जाओ कौआ राम ले गए माला, तो अब हम नहीं करेंगे जब। फिर बोले कि अपने मन में आया कि हम बहुत पापी हैं, हमारे मन में बड़े दोष हैं, हमको भगवान कैसे मिलेंगे,
चलो अब भाग के घर छोड़ के हिमालय में जाए। तो जब भागे तो 25 मील पैदल चलते चलते पकड़ लिए गए, है ना, नंगा पांव, नंगा से हाथ में लोटा पकड़े गए। वो ले आए तो सिनेमा दिखाया, है ना, वो रोना आवे। दूसरे दिन कमरा बंद करके वो रोया कि बस अब इस जीवन में ईश्वर की प्राप्ति होने, जानबूझ के साधन रूप से नहीं रोया हो कि रोने से भगवान खुश हो जाएंगे। बच्चे रोते हैं ना, बच्चे काहे को रोते हैं कि हम रोएंगे तो मैया मिठाई देगी, है ना। इसके लिए हम नहीं रोते थे कि हम रोएंगे तो भगवान हमको मिलेंगे। रोने में साधन बुद्धि नहीं थी कि रोने से भगवान मिलते हैं, रोने में साधन भाव नहीं था, अपना पौरुष नहीं था, रोने में अपने अहम का विनाश था। उसके बाद हमको एक बड़ा अद्भुत अनुभव हुआ, वो अनुभव हम आपको नहीं बताते। अच्छा, हमको बताना ये है कि यदि आप बिना किए मान बैठेंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ भगवान करें, तो ये गलत होगा। ये सिद्धांत ये है, आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए, है ना। जहां आपका पौरुष समाप्त होता है वहां से भगवान की कृपा का प्रारंभ होता है। तो न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते, यदि आप कर्म करेंगे ही नहीं, साधन करेंगे ही नहीं, तो नैष्कर्म की प्राप्ति नहीं होगी। आप श्रम करेंगे तो नींद आवेगी, आप श्रम करेंगे तो नींद आवेगी, आप उपवास करेंगे तो भूख लगेगी, आप कर्म करेंगे तो आप कर्मों के बंधन से छूटेंगे। न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च सम्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। केवल संन्यास ले लिया, छोड़ छाड़ के सब अलग हो गए, संन्यासिनोपि दृश्यन्ते दैव संदूषिता तया। आप कहीं जंगल में जाएंगे तो वहाँ अपने इसी मन को लेकर जाएंगे, इसी इंद्रियों को लेकर के जाएंगे। त्याग करने के बाद भी, एक सेठ रतनगढ़ का था, अपना घर द्वार छोड़ दिया, वृंदावन में आया, सब छोड़ के भगवान का भजन करेंगे। वो जप माली थैली थी हाथ में, एक हाथ उसने फंसाया। थोड़े दिनों तक क्या बात हुई कि उसने और बहुत से सेठों को पटाया, बोले वृंदावन में आश्रम बनाएगा। अब दो पहर में महाराज बाएं हाथ में छाता और दाहिने हाथ से एक गधा, दो गधा, तीन गधा, चार गधा, है ना, सैकड़ों गधों पर लद लद के ईंटें आती और वो उनको गिनता, देख के हंसी आती, है ना। घर द्वार छोड़ करके आए और ईंट और गधा गिनने में उनका समय बीत रहा है। घर में रूप रुपया गिनते थे, घर में नोट गिनते थे, है ना, घर में नोट रुपया गिनते थे और वृंदावन में आए तो ईंट और गधा गिनने में उनका समय गया, मर गए। तो अब वो ईंट और रुपया और गधा और मकान की जो वासना थी वो वृंदावन में आने पर भी मन में तो बनी रही ना। एक सन्यासी गए भजन करेंगे, हिमालय में गए, पेड़ के नीचे बैठे ध्यान करने लगे, एक कौआ उनके ऊपर बीत कर गया। अब वो लोग लेके ढेला फेंका कि पेड़ पर कोई कौआ नहीं बैठने देंगे। अब वो कौआ आके बैठे और वो ढेला फेंकते रहे, भजन छूट गया, कौआ उड़ाने में सारा समय गया। तो नच सम्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति, केवल संन्यास लेने से, केवल त्याग करने से सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती, उसके लिए मन के निर्माण की जरूरत पड़ती है। तो अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए कर्म करना आवश्यक है, एक दृष्टि से नहीं अनेक दृष्टि से आवश्यक है। आप तीसरे अध्याय का प्रारंभ देखें, भगवान ने कोई 20 के लगभग ऐसी युक्ति दी है, 20 के लगभग ऐसे कारण बताए हैं
जिनसे ये सिद्ध होता है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य कर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। अपने कर्म दोष को निवृत्त करने के लिए कर्म का ठीक ठीक अनुसंधान, ठीक ठीक अनुष्ठान करना चाहिए। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो य कर्मणः शरीर जात्रा पिचते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। नियतम कुरु कर्मत्वम, हे मनुष्य, ये मनुष्य अधिकारी है, आप ये जानते हैं, गीता के कर्म का अधिकारी मनुष्य है, ये गीता की एक विशेषता है। बोले कि भाई सभी शास्त्रों में जो कर्म का वर्णन है उसका अधिकारी तो मनुष्य ही है, ये गीता के कर्म का अधिकारी मनुष्य है, ये कहने में क्या फायदा, क्या विशेष? इसमें ये विशेष है कि जैसे वाजपेय अथवा बृहस्पति सव करने का विधान ब्राह्मण के लिए है, मनुष्य मात्र के लिए नहीं है। राजसूय करने का विधान राजा के लिए है, मनुष्य मात्र के लिए नहीं है। वैश्य स्तोम करने का विधान वैश्य के लिए है, मनुष्य मात्र के लिए नहीं है। पर गीता सामान्य रूप से भगवान के जो पुत्र हैं उनके लिए गीता बताती है कि कर्म करो बेटा, जैसे पिता अपने पुत्र को शिक्षा देता है कि बेटा कर्म करो, ठीक इसी प्रकार परमेश्वर अपने पुत्रों को शिक्षा देता है कि बेटा कर्म करो। ये अपौरुषेय अपौरुषेय की बात बहुत सुनी जाती है ना, तो पूर्व मीमांसा के मत में वेद अपौरुषेय हैं और न्याय और भक्ति दर्शन के मत में वेद पौरुषेय पौरुषेय। वेदांत के मत में पौरुषेय और अपौरुषेय दोनों की संगति है, वेदांत में उनकी संगति लगाई हुई। संगति क्या है कि चूंकि वेद अनादि है इसलिए तो अपौरुषेय है, परंतु सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर पूर्वानुपूर्वी का स्मरण करके अनुपूर्वी का स्मरण करके जैसा पहले वेद था वैसे ही प्रकट करता है। तो देखो ये क्या हुआ, महाप्रलय के पूर्व जैसा वेद था ईश्वर उसका स्मरण करके उसी को प्रकट करता है, ब्रह्मा आदि को दान करता है। तो ईश्वर स्मरण करके दान करता है इसलिए प्रत्येक सृष्टि के प्रारंभ में पौरुषेयता की भी संगति है और वेद स्वरूप से अनादि है नित्य है इसलिए अपौरुषेयता की भी संगति है। लेकिन हम पौरुषेय अपौरुषेय का शास्त्रार्थ भी आपको नहीं सुनावेंगे, वो तो पुरुष ज्ञाना जन्यत्व उसका अर्थ है, ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाठवादि दोष रहितत्व उसका लक्षण है, तो वो बात अलग। भक्ति दर्शन में कहते हैं सृष्टिर निर्माय श्रुतिश्च निर्मिनीते पितृवत्, जैसे एक पिता अपने पुत्र को उत्पन्न करके और फिर उसको शिक्षा देता है वैसे भगवान शिक्षा देते हैं। तो भगवान जो शिक्षा देते हैं वो अपने सब संतानों के लिए एक साथ शिक्षा देते हैं, क्या शिक्षा देते हैं, नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो य कर्मणः। हे मनुष्य, हे मानव, तू निश्चित रूप से कर्म कर। नियतं कुरु कर्मत्वं का दो अर्थ है, क्रिया विशेषण है तो निश्चित रूप से कर इसका ही अर्थ होता है, और कर्म का विशेषण है तो अपने लिए जो नियत कर्म है वो कर। त्वम नियतं कर्म कुरु, त्वम कर्म नियतं कुरु। तो क्या हुआ, कर्म करो, कर्म ज्यायो य कर्मणः, कर्म न करने से कर्म करना अच्छा है। एक बात आपको बड़े हृदय की पीड़ा के साथ मैं सुनाता हूँ,
अपना पक्षपात लेकर सुनाता हूँ, अपनी वेदना लेकर सुनाता हूँ। ये जो लोग अपने विकार को मिटाने के लिए कर्म संस्कार का प्रयोग नहीं करते हैं, माने व्यभिचार तो एक कर्म है, झूठ बोलना एक कर्म है, चोरी एक कर्म है, और जिस मनुष्य के जीवन में विकार कर्म पर्यंत पहुंच गया है वो, और विकारी कर्म करते करते जिसके मन में विकारों का संस्कार पड़ गया है वो, अगर विकारों के दोषों के निवारण के लिए कर्म नहीं करेगा और क्या करेगा, तो बोले बाबा हम ईश्वर के भरोसे हैं, जैसी मौज होगा वैसा करावेगा। बोले हम तो अंतःकरण को ज्यों का त्यों छोड़ करके साक्षी दृष्टा के रूप में बैठे हैं। मैं अपने हृदय की सीधा आपको सुनाता हूँ, वही काम वही क्रोध वही लोभ वही विकार उदय होंगे, और उनके द्वारा जैसी क्रिया आपके शरीर से पहले होती थी वैसी ही बाद में भी होगी। इसलिए जो हमारे जीवन में चोरी बेईमानी हिंसा झूठ व्यभिचार अनाचार जो आया हुआ है, उसके विपरीत हमारे जीवन में सदाचार की स्थापना जान बूझ कर जब जीवन में करेंगे तब सदाचार की स्थापना होगी, वो ईश्वर के भरोसे हो जाने से नहीं होगी, और वो शांत साक्षी दृष्टा बनकर बैठ जाने से नहीं होगी। जो बात जान बूझ करके आपने जमाई है अपने घर में, अगर सांप लाकर आपने अपने घर में पाला है तो उसको निकालने के लिए प्रयास भी करना पड़ेगा। तो हम आपको अपने हृदय की पीड़ा ये वेदना सुनाते हैं कि जो ईश्वर के नाम पर अपने जीवन में दुराचार को रहने की जगह देते हैं, जो दृष्टापना साक्षीपना के नाम पर अपने जीवन में दुराचार दुर्वृत्ति को दुर्गुण को रखने की जगह बनाते हैं, तो उन लोगों के जीवन में सदाचार की स्थापना नहीं हो सकती। इसलिए कर्म की बड़ी भारी आवश्यकता है। कर्म ज्यायो य कर्मणः, अकर्म से कर्म श्रेष्ठ है। यदि आप चुप लगा के रहेंगे तो आपके जीवन में जो बुराई घुस आई है वो बिल्कुल नहीं निकल सकते हैं। तो इसलिए सत्कर्म करने की जीवन में कर्म दोष की निवृत्ति के लिए, कर्म दोष की निवृत्ति से संग्रह दोष की निवृत्ति होती है एक, भोग दोष की निवृत्ति होती है दो, कर्म दोष की निवृत्ति होती है तीन, और भाषण दोष की निवृत्ति होती है चार, और अप्रवृत्ति की निवृत्ति होती है पांच। आप ध्यान में रख लो, यदि आप अपने सत्कर्म करोगे तो एक तो अप्रवृत्ति रूप निद्रा आलस्य प्रमाद ये तमोगुण का नाश होगा, और आप जो संग्रह चोरी बेईमानी से करते हैं, हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं, वो मिटेगा। दो, और नारायण भोग में जो दोष है व्यभिचार अनाचार तो मिटेगा। तीन, और जो आप कर्म करते हैं सो शुद्ध होगा। ये चार, और जो भाषण में आपकी अशुद्धि है तब वो दूर होगी। ये जब आप कर्म ठीक ठीक करने लगेंगे तब इन पांचों दोषों की निवृत्ति होगी, और इन पांचों दोषों के निवृत्त होने पर इनसे उत्पन्न होने वाले जो दुख हैं, इनसे उत्पन्न होने वाले जो दुख हैं सो भी निवृत्त हो जाएंगे। भगवत नारायण आप ध्यान दें इस बात पर, ये जो लोग कहते हैं कि तुम तो दृष्टा साक्षी हो और जीवन में जो अनाचार व्यभिचार हैं उसको रहने दो, उससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, वो आपको गलत रास्ते पर ले जाते हैं। पहली सीढ़ी तो चढ़ी नहीं,
और महल की बात सुनाते हैं। तो पहली बात यह है कि हमारा कर्म शुद्ध हो, कर्म शुद्ध होने से आलस्य आदि दोष मिटे, भोग शुद्ध संग्रह शुद्ध हो, भोग शुद्ध हो, कर्म शुद्ध हो, भाषण शुद्ध हो, और इसके बाद भाव में जो दोष हैं उनकी निवृत्ति के लिए गीता से पूछिए उसका क्या उपदेश है। कर्मण आपने सुना ही है, कर्मण एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर मा दे संगोस्त्व कर्मणि। आप देखो मा फलेषु कदाचन कह करके गीता ने दूसरा पांव उठाया, आपके मन में जो कामना रूप दोष है उसकी निवृत्ति हो। हम आपको ये सुनाना चाहते हैं, आप अपने जीवन में दुर्गुण दुराचार रख करके यदि आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो कभी नहीं हो सकते। आप ये मत कहिए कि पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं उनसे दुर्गुण और दुराचार आते हैं, जिसकी चर्चा बिल्कुल नहीं है हमारे गीता के प्रसंग में। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कल्याण हो जाएगा, इसका अर्थ आप कल्याण चाहते ही नहीं। और ये जो आप जैसे लालची लोग होते हैं ना, नोट दुगुना करवाने जाते हैं, अपने घर का भी खो के आते हैं, है ना, बदमाशी की बात है वो, बिल्कुल बदमाशी की बात है। नोट दुगुने नहीं हो सकते, ये प्रत्येक अकलमंद को मालूम होना चाहिए, नोट दुगने हो ही नहीं सकते, या तो होंगे तो जाली होंगे। एक नंबर के दो नोट हो जाएंगे, दुगुना करने पर एक नंबर के दो नोट हो जाएंगे तो वो जाली हो जाएंगे, और दूसरे नंबर का नोट अगर आ जाएगा तो वो कहीं ना कहीं खजाने में छपा हुआ बेईमानी से चोरी से आवेगा। तो जो लोग नोट दुगुना बनवाने के लिए जाते हैं उनकी बेवकूफी बिल्कुल स्पष्ट है। माने एक नंबर के दो नोट हुए तो उनमें से एक जाली हुआ, और यदि अलग अलग एक नंबर का नोट दूसरे नंबर का और दूसरा नोट दूसरे नंबर का, तो वो कहीं न कहीं कारखाने में छपा हुआ सरकारी नोट ही आया है और वो बेईमानी से उठाकर मंगाया गया है। तो जैसे नोट को दुगुना करने वाली बात मूर्खतापूर्ण है, इसी प्रकार जो आपके मन में आता है कि पैसा कमाने का काम तो हम करेंगे, भोग का काम हम करेंगे, मकान बनाने का काम हम करेंगे, और कोई हमारे सिर पर हाथ रख दे और कृपा कर दे और हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो जाए, ये जो बिना किए धरे आप अपनी उन्नति की आशा रखते हैं, ये हिप्नोटाइज करके जो आध्यात्मिक उन्नति होगी, मेस्मराइज करके, सम्मोहित करके, आपको प्रमादी बना करके, आपको बेहोश करके जो आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी वो टिक नहीं सकती। आपको अपने अंतःकरण के जो दोष हैं वे स्वयं निवारण करेंगे। गीता भगवती कहती हैं कर्म के द्वारा आप अपने दोष कैसे निवारण करेंगे, जरा उस पर ध्यान दीजिए। यतः प्रवृत्तिर भूतानां भाव दोष की निवृत्ति ऐसे होती है, यतः प्रवृत्तिर भूतानां येन सर्वमिदं ततां स्वकर्मणात्मभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः, स्वकर्मणात्मभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। आप कर्म किस लिए कर रहे हैं? आप कह रहे हैं हे धन हम कर्म करते हैं तुम हमारे घर में आओ, हे भोग हम कर्म कर रहे हैं तुम हमारे घर में आओ, हे कुर्सी हे कुर्सी हम कर्म कर रहे हैं तुम हमारे ऊपर खुश हो जाओ, अपने ऊपर बैठने की जगह दो, है ना। जब आप असल में कर्म को भोग के लिए लगाते हैं, जब आप कर्म को कुर्सी के लिए लगाते हैं, जब आप कर्म को पैसे के लिए लगाते हैं, तो आपका कर्म रोने लगता है, आपका कर्म खुश नहीं होता। कर्म को कहाँ लगाना चाहिए?
कर्म को जो कर्म से बड़ा है उसके साथ जोड़ो। स्वकर्मणा समभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः, अपने कर्म के द्वारा परमेश्वर की आराधना करो। तम अभ्यर्च्य, अभ्यर्च्य अर्चा से बड़ा है वो, अभ्यर्चा अर्चा से बड़ी है अभ्यर्चा, अभितः अर्चा अभ्यर्चा, चारों ओर ईश्वर की पूजा। आप जो करो, झाड़ू लगाओ इसमें ईश्वर की पूजा है, आप गाय चराओ इसमें ईश्वर की पूजा है, आप उत्पादन करो कपड़े बनाओ इसमें ईश्वर की पूजा है, आप खेती करो इसमें ईश्वर की पूजा है। बोले इसमें ईश्वर की पूजा कैसे? खेती में ईश्वर की पूजा, दुकान में ईश्वर की पूजा, नौकरी में ईश्वर की पूजा, इसमें ईश्वर की पूजा कैसे है? बोले देखो बात यह है, ईश्वर है हर जगह। यतः प्रवृत्तिर भूतानां येन सर्पमिदं ततम स्वकर्मणात्म अभ्यर्थ्य। देखो ये भाव की शुद्धि है। क्या भाव की शुद्धि है? क्या आप अपना कर्म अपने बेटे के लिए कर रहे हैं? क्या आप अपना कर्म इस हड्डी मांस के शरीर की पुष्टि के लिए कर रहे हैं? क्या आप अपना कर्म कामनाओं की पूर्ति के लिए कर रहे हैं? भगवान का कहना है नहीं, आप कर्म तो कीजिए। कर्म भोग के लिए मत कीजिए, कर्म चोरी बेईमानी का मत कीजिए। कर्म स्वरूप से पवित्र होगा तब उसमें चोरी बेईमानी नहीं होगी, और कर्म का उद्देश्य पवित्र होगा तब वो भोग के लिए नहीं होगा। और नारायण जब कर्म होगा तो निद्रा आलस्य प्रमाद नहीं रहेंगे, कर्म होने में निद्रा आलस्य प्रमाद नहीं रहेंगे, कर्म होने में बुरी वस्तुओं का संग्रह नहीं रहेगा, कर्म होने में बुरे भोग नहीं होंगे। आओ कर्म करो क्या समझकर? यतः प्रवृत्तिर भूतानां येन सर्वमिदं ततम, जो तुम्हारे हृदय में अंतर्यामी रूप से बैठ करके निराकार परमेश्वर जिसकी शकल सूरत देखने में नहीं आती वो आपका संचालन कर रहा है, बिजली देखने में नहीं आती पंखा चला रही है, बिजली देखने में नहीं आती बल्ब जला रही है। यतः प्रवृत्तिर भूतानां, अलग 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 ये जो शरीर की मशीनें हैं इन मशीनों को भीतर चलाने वाली जो चेतन बिजली है वो सब में एक है, और येन सर्वमिदं ततम, और वही विद्युत भाव स्थूल हो करके, वही परमेश्वर भाव स्थूल हो करके कपड़े में सूत की तरह येन सर्वमिदं ततम संपूर्ण विश्व सृष्टि परमात्मा का स्वरूप है और सबका संचालक परमात्मा है। इस पर दृष्टि रखो, देखो क्या होता है। ये आपके कर्म में जब ईश्वर भाव का समावेश हुआ तब काम क्रोध लोभ मोह आदि जो भावगत दोष हैं उनकी निवृत्ति हो गई। अहंतागत दोष की निवृत्ति कैसे होगी? अस्मिता कैसे मिटेगी? तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। अहंता की निवृत्ति के लिए कई उपाय हैं, भ्रांति की निवृत्ति के लिए एक उपाय है। बुद्धि में दोष है भ्रांति, उसके निवारण के लिए सारी गीता में एक उपाय है। भ्रांति के निवारण के लिए केवल एक उपाय है। और अस्मिता की निवृत्ति के लिए, अस्मिता की निवृत्ति के लिए तीन उपाय हैं। और भावगत दोष की निवृत्ति के लिए कर्तव्य मानकर, अपना कर्तव्य मानकर निष्काम भाव से काम करना, ईश्वर की पूजा के लिए काम करना और काम में असंग रहकर काम करना, भाव की शुद्धि के लिए, कर्म की शुद्धि के लिए कर्म करना पड़ता है, भाव की शुद्धि के लिए भीतर का भाव सुधारना पड़ता है। अस्मिता की शुद्धि के लिए तीन उपाय बताए हैं गीता में, और भ्रांति की शुद्धि के लिए एक उपाय बताया गया है। अब वो आपको कल सुना।